हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से सोमेंद्र के स्मार्ट दुनिया में। आज मैं फिर से लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी किचन टिप्स, जिससे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, पैसा भी बचने वाला है, टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी फर्स्ट टिप से। तो मेरा पहला टिप्स ये है, अगर हम आटा लगाते हैं डेली, तो डेली आटा तो लगाते ही हैं, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा गुनगुना पानी इस्तेमाल करेंगे तो रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनेंगी। आप लोग, आपकी रोटियों की तारीफ होगी। आप लोग इस चीज़ को ट्राई करके देखना। और आटा लगाते समय बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना क्या होता है, ठंडे पानी से आटा लगाते तो आटे को गूंथते गूंथते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तब आटा सही से गूंथ पाता है। और इस तरीके से अगर गुनगुने पानी से लगाओगे ना, तो आटा बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, बहुत जल्दी खुद के तैयार भी हो जाता है। तो बताना आप लोग को मेरी टिप्स कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो को अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो चलिए बढ़ती हूँ मैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो मेरी दूसरी टिप्स है टमाटर को लेके। ये देखिए, टमाटर को हम इस तरीके से रख देते हैं ना फ्रिज में, फ्रिज के अंदर भी टमाटर ख़राब हो जाते हैं, मिर्ची भी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैं दो टिप्स लाई हूँ आपके लिए, जिससे कि आपके टमाटर बहुत जल्दी ख़राब नहीं होंगे और बहुत लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहेंगे। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से हम अपने टमाटरों को बहुत समय तक अच्छे रख सकते हैं, एकदम फ्रेश। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टमाटर को ज़्यादा समय के लिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना। ये देख लीजिए, इस तरीके की बोतल हर घर में होती ही है, और बस इसको यहाँ से कट करना है। तो ये देख लीजिए किस तरीके से करना है। मैं चाकू ले लेती हूँ, चाकू से करती हूँ। थोड़ा सा मैं पहले चाकू से करूँगी और फिर उसके बाद हम कैंची से इस्तेमाल करेंगे, कैंची। और ये पानी वाली बोतल है, तो पानी वाली बोतल का प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, बहुत आसानी से कट जाता है दूसरे बोतलों के मुकाबले। तो ये देख लीजिए इस तरीके से कितनी आसानी से कट रहा है। तो हमको पूरा अलग नहीं करना, थोड़ा सा, ये देख लीजिए अभी थोड़ी सी जगह रह गई है ना, करीबन दो उंगली जितनी, तो इतनी जगह हमको इसमें छोड़ देनी है, जॉइंट रखना है ये ढक्कन जैसा, इस तरीके से ढक्कन जैसा खुल जाए और बंद हो जाए इस तरीके से। तो अब हम ले लेंगे अपने टमाटरों को, मिर्ची को, और हम करेंगे इस पर जितना भी है सारा सामान इसमें रख देंगे, टमाटर मिर्ची। तो सारे टमाटर सारी मिर्चियों को मैंने इसमें भर दिया अच्छे से। और पता है फ्रेंड क्या होता है कि हम मंडी में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो टमाटर बहुत सारे लाते हैं, क्योंकि टमाटरों के बिना कोई भी सब्जी बन नहीं सकती। हरी मिर्च होगी और टमाटर के बिना हर चीज़ में चाहिए होते हैं, तो क्या होता है कभी कभी खराबी हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने ये वाली टिप्स अपने घर पे आजमाई और फिर आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो जो भी मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सबसे पहले आजमाती हूँ उनको, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देख लीजिए मिर्ची कैसी हो गई है बाहर रखी रखी। तो इस तरीके से अगर मैं पहले से इसमें रख देती तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो इस तरीके से ये देख लीजिए, अब ये ढक्कन है, इसको इस तरीके से हम बंद कर देंगे, तो बिल्कुल भी इसमें गैस नहीं जाएगी, बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी, हमारे टमाटर मिर्ची बहुत समय के लिए फ्रेश रहने वाले हैं। तो ये देख लीजिए इसमें लेबर लगा हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको निकाल देती हूँ और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ अच्छे से। ये देख लीजिए कितना देखने में भी कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देख लीजिए, अगर आपके पास कोई एयर कंडीशनर डिब्बा है तो आप उसमें भी रख सकते हो। ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये है हमारी दूसरी टिप्स, वो भी टमाटरों को लेकर ही है। तो टमाटर हमारे जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे टैप का। आपके पास कोई भी टैप हो, ब्लैक टैप हो यानी कि वायर टैप होता है वो, सैलो टैप हो यानी कि जो पानी वो वाइट कलर का होता है वो, अगर ये कागज़ वाला टैप है ना, पेपर टैप है, तो ये भी चलेगा। तो इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ इसमें से और फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या करना है। इसको इतना निकाल लिया, छोटे छोटे टुकड़े हम इसके कट कर लेंगे। ये देख लीजिए अच्छे से मुझे निकला नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे इतना ही चाहिए मुझे। इसका हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इस जगह पे, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। जो इसका जो जड़ वाला हिस्सा है ना, उसको अच्छे से कवर कर देना है हमें टैप से। तो अगर उसमें हवा नहीं लगेगी बिल्कुल भी, तो टमाटर हमारे बहुत ज़्यादा समय तक अच्छे रहेंगे। आप इस टिप्स को भी आजमा सकते हो, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और इस तरीके से हम डब्बे में रख सकते हैं इसको ढक्कन बंद करके, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, फैमिली दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ।